तो दोस्तों फाइनली देवी जी को इनके घर पे हम छोड़ दिए, हम जा रहे हैं बैंक, ठीक है। मस्त खाना वाना खा लिए हैं, ये देखो कौन। तो जिस वजह से जल्दबाजी में काम हो जाता है, देखिए 7-8 दिन के अंदर में आ जाता है हमारा चेकबुक, ठीक है। खाता तो मिल गया था, तो आराम से जो बनामा हो जाएगा फिर आराम से हम घर बना सकेंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हो चुका मॉर्निंग का टाइम, खुश रहिए। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। देवी जी के लिए दवा लाए हैं, आप लोग कमेंट करना कौन कौन सा दुकान से, और कैप्सूल पीने से ये डरती हैं क्योंकि इनका तबीयत ठीक नहीं था। धरती पे बैठा, अरे सही हो जाएगा, जाओ पानी ले लो एक गिलास और, जाओ पी लो जल्दी से। एक्चुअली में इनका तबीयत जो है ठीक नहीं है, ठीक है। रात में कह रही सिर दर्द हो रहा, फिर बदन दर्द हो रहा था, और अचानक से उसके बाद फिर बोल रही कि ये पंजरा होता नहीं ये वाला, मतलब टेढ़ा लेट गई थी इस वजह से। चलिए कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएंगे। अभी जस्ट मेडिकल पे गए, हमने सोचा क्या वहाँ पर ब्लॉग बनाए। तो दोस्तों अभी छत पे आए हैं, जितना कपड़ा वगैरह शाम में जो धुले थे ना कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो देवी जी अच्छे से पसार दिया ताकि धूप में जो सूख जाए, और दवा खाते इनको एनर्जी आ गया है, ठीक है। फिर ऐसे घूम घूम के फिर तबीयत खराब कर लेगी। चलो लोग देख रहे हैं अगल बगल से क्या सोचेंगे, गंदी बात। ये देखो मेरी टोपी सरदार की पगड़ी, धूप ना लगे। चलो चलो लेट हो रहा है। आज इनके घर पे जाना है तो कुछ शॉपिंग भी करना है, और साथ ही साथ इनको बेल्ट गिर जाओगे, गिर जाओगे ऐसे में, देखिए गिर जाओगे, बदतमीजी नहीं, आ जाओ, लेट हो रहा है। दोस्तों फाइनली एकदम रेडी हो गए, चाय वगैरह सब कुछ पी लिए थे, रात का खाना बचा हुआ तो वो भी मस्त खा लिए हैं। घर में सारा कुछ एक जगह सामान सह दिया है, अभी निकल रहे हैं, इनके घर पे दावत है, यानी यूपी में जो है दावत बोला जाता है, भोज है, ठीक है क्या जी। तो इनकी दीदी आई हैं और इनके होने वाले जीजाजी भी आए हैं, तो हम लोग को इन्वाइट किया गया है, तो चलते हैं हम लोग, मस्त खावा के आते हैं, इनको घर उनको पहुँचा देंगे, फिर हमको निकलना है SBI बैंक में, कुछ काम है चेकबुक को लेकर के, तो भी फाइनल करवाना, जाके फॉर्म वॉर्म डालना है इसके लिए, चले। बाकी ये कैसा लग रही है बताना कमेंट में। ये पहन लिए कमर में जींस, देखिए हाँ वेरी गुड, बहुत सुंदर लागे छे। चलिए दोस्तों मिलते हैं इनके घर। तो दोस्तों अभी घंटा घर मार्केट आ गए हैं, और दीवी जी ले रही है अपने लिए बेल्ट, क्योंकि भाई साहब इनको जो है ना जींस थोड़ा सा ढीला पड़ रहा था, तो बेल्ट पहन के देख रही हैं। ब्लैक ही चाहिए और कोई कलर नहीं, पहले देख लेना दीदी, आ जाए तो उसको पन्नी उतार दीजिए ऊपर से पहनिए, और कुछ सामान वान भी पैकिंग करवाना है तो करवा रहे हैं अभी। ऐसे ढेर सारा शॉपिंग किए हैं, यहाँ पे देखिए देवी जी भी केक ले लिए, वो भी दो दो पैकेट, घर पे बैठ के आराम से खाएंगे, और साथ ही साथ बाली इनके लिए पैक करवा रहे हैं, देखिए क्योंकि इनका फेवरेट है। और दो तीन दिन हम लोग यहाँ से वापस लौट गए थे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ये सामने ऐसा निशान जैसा बना हुआ है इन लोग का दुकान, तो आज भैया जी शादी से लौट के आए तब इनका फाइनली बाली जो है पैक हो रहा है, वो भी 4 ठो, आदमी 2 बाली 4, ये तो ना इंसाफी है। आँख खोलो, आँख खोल के देखो ज़रा, आप कहाँ से हो? बिहार से। चलिए दोस्तों इनके घर पे मिलते हैं आप लोग। तो दोस्तों फाइनली देवी जी को इनके घर पे हम छोड़ दिए, हम जा रहे हैं बैंक, ठीक है। मस्त खाना वाना खा लिए हैं, ये देखो कौन, ये कौन सा कपड़ा है, ये वही पैंट और टी शर्ट। चलो ठीक है, हम शाम तक आते हैं, थक जाएंगे तो घर पे रुक जाएंगे, मतलब फिर आ जाएंगे, कॉल कर देना आप, तो ठीक है खाना खाने के लिए। सब्जी रखा उसको फेंक देना, ठीक है, वो बर्तन भी धो देना। खराब ये सब चेकबुक के लिए अप्लाई करने के लिए आए हुए थे, वो हो गया है, 7 से 8 दिन में चेकबुक हमारा आ जाएगा, फिर क्या, बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए और क्या। अब गाड़ी निकालने में हमको दिक्कत हो गई भाई, क्या है कि दोनों तरफ से अपाची लग रहा है, अच्छा पल्सर है या अपाची है। चलिए कोई नहीं, जाते हैं थोड़ा सा अपने यहाँ कमरे पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि 1-1.5 घंटा का रास्ता पड़ जाता है। दोस्तों चेकबुक का काम करवा के घर पे आ गए हैं, आज फर्स्ट टाइम इस घर में हमें अकेले रहना पड़ रहा है, अभी अकेले हम रहे हैं, ठीक है। दीवी जी को घर पे छोड़ कर गए क्योंकि यहाँ से 1-1.5-2 घंटे का रास्ता है, तो शाम में जाएंगे फिर उनको, शाम में फिर वापस लेके आना है, तो रात का 10 बज जाएगा मेरे हिसाब से लगभग। तो अभी मेरा पेट भी दर्द हो रहा था, और जैसे गए बैंक में, तो बैंक में सबसे बड़ी खासियत है कि तुरंत काम हो जाता है, ज़्यादा भीड़ भड़ाका है नहीं, नया स्टेट बैंक ओपन हुआ है, तो जिस वजह से जल्दबाजी में काम हो जाता है, देखिए 7-8 दिन के अंदर में आ जाता है हमारा चेकबुक, ठीक है। खाता तो मिल गया था, तो आराम से जो बनामा हो जाएगा फिर आराम से हम घर बना सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ की ज़मीन है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, जब सारा काम हो जाए तो, पहले दिखा दें कन्फर्म कर देंगे, फिर बाद में गड़बड़ हो गया तो फिर अपने धोखा खाने वाला लात वाली बात हो जाएगी, ऐसा सीन है। पूरा घर देवी जी के बगैर सुनसान लग रहा है ना, किचन रूम भी,
चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। फ़ोन को चार्जिंग पर लगा दिए क्योंकि भाई साहब ब्लॉग पोस्ट करने का टाइमिंग हो गया है। तो अभी छत पे आ गए हैं, कपड़ा देवी जी का उतार लिए हैं और हमारा कपड़ा है। अभी क्या ही बताएं, अकेले मन नहीं लगता है सच बताएं तो, घर एकदम काटने से दौड़ता है। अभी देख के अभी जस्ट मैं सो करके उठा हूँ, काफ़ी थक गया था, अभी ऐसी हालात हो गए थे। मतलब थकावट इसलिए हो जाता है ना कि करते कुछ नहीं, सिर्फ दिन भर ब्लॉग बनाना है, कैमरा गंदा हो गया, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। पहले हम इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं। और यहाँ का इतना मनमोहक और इतना अच्छा दृश्य है ना, क्या ही बताऊँ। अब बहराइच का मौसम, बहराइच की जगह इतना अच्छा लगता है, क्या ही बताएँ। मतलब मज़ा ही आ जाता है, यहाँ के लोग भी पॉजिटिव, मतलब अच्छे से बातें करना, अच्छी अच्छी चीज़ें कहना, यहाँ के लोकल जो माता बहनें हैं सब, मतलब अच्छे सराहना देना कि हाँ खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, बाकी लाइफ में सब ठीक हो जाए, आई होप तो अच्छा ही रहेगा। और बाकी यहाँ का सीन देख लो, अभी यही इसी को देखने के लिए मैं आता हूँ ऊपर में। अभी दोस्तों नहावा के एकदम अच्छे तरीके से एकदम रेडी हो गए हैं और घर की सारी लाइटें वगैरह हमने जला दी, खूब बढ़िया तरीके से, देखिए एकदम दीपावली जैसा एकदम लग रहा है। और अब जा रहे हैं देवी जी को लाने के लिए, क्योंकि दावत शायद हो सकता है ख़त्म हो गया, लास्ट में हम ही खाने जा रहे हैं, क्योंकि चेकबुक अप्लाई कराने के चक्कर में इतना ज़्यादा टाइम ज़्यादा लग गया ना। ये देखिए दोस्तों अभी घर पहुंचे हैं इनके, और ये देखिए बच्चे वाला खिलौना लेके आई हैं, क्या है ये, मसाज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा सर भन्ना रहा है, पूरा धरती उड़ती सब हिल रही है। आपको भी लग रहा था लेकिन अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, ठीक है, मूड पे रहा तो ठीक है। तो आपका मूड पे लगा दिया हमें, लाओ रुको हम लगाए, हम लगाए नहीं, हम लगाए देते लगाए, लगाए नहीं, रुको रुको रुको, लाम का दे। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात, क्या बात। हम सो रहे थे, गुनगुन ने लगाया मुटके, तकिया उठा के भागे, भूखे भागे भागो। तो दोस्तों फाइनली अभी हम घर में आ गए हैं और साथ में देखिए हमारी देवी जी आ गई हैं। अभी इनका तबीयत ठीक नहीं था, अभी चुच्चू रोटी चावल खाई हैं तो तबीयत ठीक आ गया है। बिस्तर बिछाई दे आराम करिए। हाँ कोल्ड ड्रिंक पी लिए थे? नहीं ये थे, आप पिलाए थे ना, जब पे कुल्ला पैसे चुपके से पी लेते। अरे नहीं पीना चाहिए, खराब कर जाता, तबीयत ठीक नहीं रहता बच्चा हमारा। कोई बात नहीं, कल सवेरे हमको लखनऊ निकलना है, थोड़ा सा ना ऐसे घूमने के लिए जाना और एक दो रील्स भी शूट करना है आप लोग के नया नया, इसी वजह से तो देवी जी को छोड़ के ही जाएंगे घर पे। मेरा कपड़ा देखो। हाँ हाँ आपका कपड़ा बहुत अच्छा, मेरे नाना बोल रहे तो पुलिस लग रही है, सब लोग बोल रहे अच्छा लगता है। अरे वाह, तो मेरे पास सब अच्छा था, पता सब अच्छा लगा। तो दोस्तों हम खाना वाना खा लिए, देखिए मस्ती करना शुरू कर दी। चलिए बिस्तर हम लोग लगा लेते हैं, आराम करते हैं। लोग दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए बिहार समस्तीपुर से देख रहे, पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, अदर से देख पूरा पूरा फुल सपोर्ट के बगल में से जाकर के फॉलो कर लीजिए, अपना कीमती वक्त करके मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।